देश में चल रहे त्योहारी सीजन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक उत्साह भर दिया है, जिसका इसे लंबे समय से इंतजार भी था। फेस्टिव सीजन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मजबूत मांग देखी गई, जिससे पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री में इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 92% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सितंबर में कारों की बिक्री में साल दर के आधार पर 122.2% का इजाफा हुआ है। वहीं इस नवरात्रि देश में कारों के शोरूम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। डिलीवरी पीरियड में आई गिरावट, बढ़ती सप्लाई और मजबूत पेंट अप डिमांड के चलते देश के टॉप 5 कार मेकर्स ने इस नवरात्रि में बम्पर बिकवानी की। वहीं अगर कार डीलर्स की बात की जाए तो उनका मानना है कि धनतेरस और दिवाली के त्योहार पर रिटेल ऑटो बिक्री के आंकड़े पिछली बार से बढ़ेंगे, क्योंकि लोग दोपहिया वाहन छोड़कर कारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। छोटी कारों की डिमांड ज्यादा है, वहीं लग्जरी गाड़ियों की भी इस बार पिछली बार की तुलना से ज्यादा बुकिंग की जा रही है। धनतेरस का अवसर है, धनतेरस पे ही क्यों, दिवाली क्यों नहीं? धनतेरस पे कराएंगे, दिवाली तक आ जाएगी तो बुकिंग थोड़ा सा। धनतेरस शुभ माना गया, कोई नई चीज़ शुभ माना गया, घर वाले मानते हैं कि घर पे कुछ आए तो अच्छा होता है। धनतेरस है तो इसलिए सब शुभ दिन है, तो इसलिए गाड़ी बुक कराने हैं। गाड़ी तो हम लेंगे एक दो हफ्ते बाद, पर आज दिन अच्छा तो इसीलिए गाड़ी बुक कराना है। धनतेरस शुभ दिन माना गया है तो धनतेरस पे ही गाड़ी लेंगे। बिल्कुल कराते हैं जी, I-20 लेन लग गया जी, धनतेरस बहुत शुभ मनाया जाता है जी, उसके करके बस गाड़ी बुक कराइए। धनतेरस की गाड़ी लगाएंगे हम, पेमेंट वेमेंट करा दी, बस डिलीवरी के लिए। डीलर्स ने बताया कि धनतेरस और दिवाली को लेकर कारों की बुकिंग्स पहले से ही हो चुकी हैं, लेकिन बिक्री और भी बढ़ने के आसार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कस्टमर ज्यादा हैं और गाड़ियों की कमी पड़ने लगी है। पिछले दो सालों दे और हुण दे फर्क, तो फर्क है, कस्टमर मार्केट च है, अवेलेबल है। इवन कल असी लास्ट 3 दिन का वॉक इन भी देख रहे हैं, तो 3 दिन का वॉक इन अराउंड 10 to 15 कस्टमर साढ़े को विजिट कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो गड्डी वो मांग रहे हैं आके, इवन क्रेटा होगी या वरना डीजल होगी या वेन्यू डीजल होगी, सो ये प्रोडक्ट साढ़े को रेडीली अवेलेबल नहीं है। सो असी उन्होंने कस्टमर ये कह रहे हैं कि वो मांग रहे हैं धनतेरस से आके कि धनतेरस से गड्डी दी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गड्डियों का वेटिंग ही 1 to 2 महीने, 2 to 3 महीने का वेटिंग पीरियड अलग अलग गड्डियों के ऊपर वेरी कर रहे हैं। सो असी कस्टमर को मोल्ड कर रहे हैं, या आइदर दे गो फॉर अ पेट्रोल वर्जन या फिर थोड़ा वो वेट कर रहे हैं। सर, इस दम धनतेरस से बुकिंग ज्यादा आ रही है लेने वाले? धनतेरस से बुकिंग अच्छी बुकिंग आ रही है, धनतेरस लिए पर कस्टमर सानू कह रहे हैं कि तुसी धनतेरस सानू गड्डी डिलीवर कर दो। सो उस दे ऊपर मेरा अच्छा लाइनअप भी बनया हुआ है, लेकिन कुछ एक मॉडल्स हैं जेडे साडे कोल पिछो हुंडई कोल या साडे कोल या तुसी नॉर्मली देखिया होगा, आज दी रेट च हर गड्डी ही वेटिंग ते हैगी, एलोकेशन ते हैगी। सो थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं लैके इशू रहिंदा है। असीं कुछ दिवाली तों बाद कस्टमर नूं कह रहे हैं कुछ लै लो गड्डियां या नैक्सट मंथ एलोकेशन हो पाएगी। सो एकदम रेडीली देना एकदम साडे लिए पॉसिबिलिटी नहीं हैगी। पिछली बार और इस बार के लास्ट ईयर अगर आप कंपैरिजन करते हैं और दिस ईयर कंपैरिजन करते हैं तो अच्छी ग्रोथ है। लोगों का पहले कोविड के कारण लोगों के पास पैसे वगैरह के अरेंजमेंट वगैरह नहीं हो पाता था, बट अब मार्केट में कोविड का कोई ऐसा है ही नहीं है, तो अब क्या है कि रिटेल लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। सर, किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं टू व्हीलर में, हाई रेंज की या लो रेंज की बिक रही हैं? मिडिल रेंज की बिक रही है गाड़ियाँ, जो मिडिल रेंज में आती है, ऑटो गियर सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। क्या रेट इनका जो है? इनका रेट है आपका 72,000 से शुरू हो जाते हैं ये गाड़ियाँ और 85,000 रुपये तक। सबकी फेस्टिवल में इस बार बहुत ज़्यादा धूम है और बहुत ज़्यादा वेटिंग है कार्स की, तो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश है, बिकॉज ऑफ लोग अपनी सेफ्टी और सुरक्षा को लेके अब टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं लास्ट 2 साल से। सर, क्या वजह मानते हैं? कई कंपनियों ने लुभाव ने ऑफर भी दिए हैं, और कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है सेगमेंट में? छोटी कार के अंदर एक्सप्रेसो, सिलेरियो, वैगनार और ब्रिजा बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, बिकॉज ऑफ इसके फीचर्स भी इतने अच्छे हैं और सेफ्टी के रेटिंग की बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, प्राइस को लेके बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस है मारुति के, और सर्विस मेंटेनेंस बहुत सस्ती रहती है, तो इसलिए लोग मारुति कार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको लगता है कि पिछले 2 साल के सारे रिकॉर्ड टूटे? सब साल पिछले 2 साल के 100% रिकॉर्ड टूटेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत रश है शोरूम में, और धनतेरस के लिए तो इतना ज़्यादा रश है कि हमें शोरूम सुबह 6 बजे ओपन करना पड़ेगा जिस हिसाब से रश लग रहा है। वहीं कार और टू व्हीलर के डीलर्स का दावा है कि इस धनतेरस और दिवाली में ऑटो इंडस्ट्री की रिटेल बिक्री इस बार चंडीगढ़ में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।